नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में वाल्मीकि नगर सीट की। यहां से 2019 में कौन बनेगा सांसद। वाल्मीकि नगर का पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि यहां बने आश्रम में महर्षि वाल्मीकि रहते थे। यहाँ पर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपना काफ़ी समय बिताया। भगवान शिव का मंदिर यहाँ प्रमुख धार्मिक स्थल है। बाघ संरक्षण के लिए बना यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वर्ष 2014 में बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। बीजेपी के टिकट पर इस सीट से जीते सतीश चंद्र दुबे विधायक भी रह चुके हैं। 2005 में सतीश नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीतकर विधायक बने थे। वह लोकसभा में श्रम मामलों पर अस्थायी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। वाल्मीकि नगर सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले यह सीट बगहा के नाम से जानी जाती थी। 2008 के बाद इस सीट पर हुए दो चुनावों में एक बार जदयू और एक बार भाजपा ने जीत दर्ज की। एनडीए में इस बार हुई सीट शेयरिंग के बाद यह सीट जदयू के खाते में आई है और पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यहां से शाश्वत केदार को मैदान में उतारा है। इनके दादा स्वर्गीय केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही केंद्र में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। इनके पिता स्वर्गीय मनोज पांडे सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर छठे चरण में 12 मई को वोटिंग होनी है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। इमरजेंसी से पहले बगहा लोकसभा सीट पर हुए 5 चुनावों में हर बार कांग्रेस ने फतह की है। 1952 से 1971 तक भोला राउत यहां से सांसद रहे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए पहले चुनाव में जगन्नाथ प्रसाद ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और भोला राउत को हराकर पहली बार दिल्ली पहुंचे। इसके बाद 1980 और 1984 में फिर कांग्रेस के टिकट पर भोला राउत जीते। 1984 के बाद इस सीट पर हुए 8 चुनावों में एक बार भी कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हो सका है। इस सीट पर कांग्रेस के भोला राउत के बाद महेंद्र बैठा का भी दबदबा रहा है। वे यहां से 5 बार सांसद चुने गए हैं। 1989 से लेकर 1999 तक इस सीट पर हुए 5 लोकसभा चुनावों में महेंद्र बैठा ने जीत दर्ज की है। 2 बार जनता दल, 2 बार समता पार्टी और 1 बार जदयू के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर पिछले 20 वर्षों से एनडीए का कब्जा है। 1999 से लेकर 2014 तक हुए लोकसभा चुनावों में 3 बार जदयू और 1 बार भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। 1999, 2004 और 2009 में जीत जदयू के हाथ लगी, जबकि 2014 में मोदी लहर के बीच इस सीट पर भाजपा का खाता खुला। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशी बैजनाथ प्रसाद महतो और महागठबंधन उम्मीदवार शाश्वत केदार के बीच मुख्य मुकाबला है। एनडीए के लिए इस सीट का महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यहां रैली कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 4 दिनों तक 4 रैली की। पिछले बार चुनाव में जीते सतीश चंद्र दुबे का टिकट कटने से ब्राह्मण वोटों के बंटने की संभावना है। पूरे चंपारण में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 12,75,653 है। इनमें 6,90,155 पुरुष जबकि 5,85,498 महिला वोटर्स हैं। इन लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती है। वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में 3 सीट बीजेपी, 1 सीट जदयू और कांग्रेस ने जीती थी। 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। वाल्मीकि नगर सीट से 2014 के चुनाव में बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे ने 3,64,013 वोट हासिल कर कांग्रेस के
पुनमासी राम को 1,18,000 वोटों से हराया। तब तीसरे नंबर पर रहे जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो जिन्हें 81,612 वोट मिले। वहीं इस बार अन्य पार्टी के उम्मीदवार सहित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव में हैं और ये देखने वाली बात है कि यहाँ से 2019 का सांसद कौन बनता है, आप अपना मत किसे देकर और अपना सांसद चुनते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। साथ ही फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। शुक्रिया।